दोस्तों नमस्कार, बात करेंगे एमपी एनएचएम ने पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों सारी चीज़ें वीडियो से जुड़े रहें। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो आवेदन करने की अंतिम तारीख है आप यहां पर देख सकते हैं 25/2/2022 है, और नंबर आप पोस्ट की बात करें तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। आप जैसे फर्स्ट में देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 में दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोस्ट है स्टाफ नर्स के लिए, पद का नाम स्टाफ नर्स, और नंबर आप पोस्ट की बात करें तो अनरिजर्व में दोस्तों 9 पोस्ट है, एससी के लिए 4 पोस्ट और एसटी के लिए 6, ओबीसी के लिए 8, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, और टोटल जो पोस्ट है दोस्तों तो 30 पोस्ट है, 30 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। तो स्टाफ नर्स की दोस्तों जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मांगी गई है, तो बीएससी नर्सिंग एवं जेएनएम मांगी गई है, और जो आपकी सैलरी रहने वाली है 20,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों जो कि फिजियोथेरेपिस्ट है, और एक ही पोस्ट है दोस्तों ये फिजियोथेरेपिस्ट, और यहाँ पे आपकी बीपीटी बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और इनकी जो सैलरी रहेगी दोस्तों 25,000 पर मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ऑडियोलॉजिस्ट के तौर पे निकाली गई है, एक ही पोस्ट है अनरिजर्व में, जो कि आपके पास में बैचलर इन ऑडियो स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के तहत दोस्तों आपके पास में क्वालिफिकेशन होने चाहिए, उसके अलावा डिप्लोमा ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी में होना चाहिए या उसके ऊपर, और आपकी जो यहाँ सैलरी रहने वाली है तो 20,000 पर मंथ रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, एक पोस्ट है, और ग्रेजुएशन क्लिनिकल साइकोलॉजी मास्टर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इसके एबव हो तो दोस्तों ज़्यादा उनको वरीयता दी जाएगी, आपकी भी सैलरी यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन के तौर पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका स्पेशल बीईडी विथ डिप्लोमा इन मेंटल रिटायर्डेंशन में रहेगा, आपकी सैलरी यहाँ पे 15,000 पर मंथ रहने वाली है। और नेक्स्ट सोशल वर्कर की एक ही पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे एमएसडब्ल्यू या सोशियोलॉजी में मास्टर आपके पास होने चाहिए उसके ऊपर, और आपकी जो सैलरी है 12,000 रुपये पर मंथ रखी गई है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपरोक्त पूर्णता अस्थायी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियम एवं निर्देशों के अधीन रहेगी, आपकी जो नियुक्ति दोस्तों यहाँ पे नियुक्ति अस्थायी तौर पे बताई गई है, जिसको आगे देखते हुए एनएचएम इसमें आपको अस्थायी करेगा या अस्थायी करेगा, इसमें वेबसाइट में इसकी जानकारी आपको अवलोकन कराई जाएगी। और आवेदन के संबंधित दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में आवेदन पत्र दिनांक 25/2/2022 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए, और आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराए जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पे जो आपका पोस्ट है और आवेदन है दोस्तों एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आपको जमा करनी है। और आगे बात करें दोस्तों तो ये वहाँ का महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत आपकी पोस्ट दी जाएगी, रखी जाएगी, और आवेदन पत्र जो रहेगा दोस्तों इसको आपको डाउनलोड करना रहेगा, इसको डाउनलोड करके आपको फिल करना रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों आप मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए। देख सकते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई SNCU एवं CLMC MGM हेतु आवेदन पत्र स्टाफ नर्स फिजियोथेरेपिस्ट ऑडियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट स्पेशल एजुकेशन सोशल वर्कर एवं CLMSC मैनेजर के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब दोस्तों यहाँ पे जो आपका पोस्ट है ये संविदा रहेगी, यहाँ पे आपका पद का नाम लिखना है, जिस भी पद के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आपको मेंशन करना है, चाहे आप स्टाफ नर्स या फिजियोथेरेपी या फिर साइकोलॉजिस्ट में जिस में भी आप अप्लाई कर रहे हैं इस तरह से को फिल करना है, दिनांक यहाँ डाल लेना है, यहाँ पर आपका फ़ोटो लगाना है, पासपोर्ट साइज दोस्तों, और आपको यहाँ जो फीस लगने वाली है उसकी बात करें तो आपको आवेदन शुल्क RTGS स्टेट बैंक ऑफ इंडिया MBH इंदौर कैंपस में जमा करनी रहेगी दोस्तों, ये वहाँ का IFSC कोड है, और ये MGM मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस सोसाइटी इंदौर के नाम पे रसीद आपको संलग्न करनी रहेगी, यदि आप पोस्ट या डाक के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट भेजते हैं सेंड करते हैं तब।
और फीस जो रहने वाली दोस्तों स्टाफ नर्स की यहाँ बताई गई है, अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 500 रुपये रखी गई है और अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात EWS के लिए 300 रुपये रखी गई है और अन्य पदों हेतु अनारक्षित श्रेणी के लिए 500 रुपये यहाँ पर रखी गई है। नोट, अब यहाँ पे दोस्तों जो आवेदक की जो जानकारी भरनी है किस तरह से भरनी है, आवेदक का नाम भरना है, यहाँ आपका पूरा नाम भरना है, मेल फीमेल मेंशन करना है दोस्तों, जो भी आपका है यहाँ पे वो मेंशन करना है, फादर या पिता का नाम या तो आपके पति का नाम यहाँ पे मेंशन करना है, पिन कोड डालना है वर्तमान परमानेंट जो भी है, शहर का नाम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्थायी पता और शहर का नाम, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें भरना दोस्तों। उसके अलावा आपकी हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करनी है आधार कार्ड नंबर के साथ में और दिनांक 1/1/2022 को आवेदन की आयु यहाँ पे आपकी एज काउंट करके डालनी है। उसके अलावा दोस्तों यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं या आपके पास कोई अदर सर्टिफिकेट है, विकलांग वाले सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ यहाँ पर उसका फ़ोटो कापी अपलोड करना रहेगा या तो फिर साथ में फ़ोटो कापी करा के अपडेट करना रहेगा और भेजना रहेगा। नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीयन क्रमांक और दिन यहाँ पे डालना दोस्तों, उसकी छाया प्रति लगानी है और परीक्षा का नाम, आपके बोर्ड का नाम, ईयर डालना है जिस ईयर में आप पास आउट हुए हैं वो यहाँ मेंशन करना है, आपका सब्जेक्ट डालना है, पूर्णांक और प्राप्तांक डालना है दोस्तों, प्रतिशत डालना है और ये अटैम्प्ट कब किए वो भी डालना है यहाँ पर। आगे बात करें तो संलग्न प्रमाण पत्र की सूची और स्व प्रमाणित फ़ोटो कापी संलग्न करें। अब दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे शेयर करेंगे, आपका 10th की अंक सूची जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षित श्रेणी के लिए होगा, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग के लिए है, आधार कार्ड और विज्ञापन पद अनुसार शैक्षणिक योग्यता इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न करें और बैंक में जमा किए गए RTGS यहाँ पे आपकी रसीद दोस्तों, जो भी आप पेमेंट किए उसकी रसीद और उसके अलावा जो भी आपके पास अदर सर्टिफिकेट हो वो भी यहाँ पे डालें और उसके बाद यहाँ पे आपको साइन करना है, स्थान और यहाँ पे दिनांक डालना है और इसके अलावा दोस्तों ये आपको पढ़ लेना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है, जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र, नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा, मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण या FIR दर्ज नहीं है। दोस्तों यहाँ पे यदि आपके पास कोई FIR दर्ज है तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ लेना है, वो मेंशन करना है और उसके अलावा कोई अदर आपके पास कोई, तो दोस्तों यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और भेज रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट को और इस फॉर्म को अच्छे से पढ़ लें, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लें, पढ़ लें। और आगे बात कर लेते दोस्तों ये अपडेट और नोटिफिकेशन कब की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विज्ञापन जो जारी किया गया है 7/2/2022 का विज्ञापन जारी किया गया है जो कि MGM मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जारी किया गया है दोस्तों। और यहाँ पर जो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि है दोस्तों 25/2/2022 तक आप कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।